So as you know that we are going to start a session about essay writing. So first thing first, when I say essay writing, what exactly is the syllabus of essay in UPSC examination? Kabhi dekha notification, syllabus kya hai? Over there it is written, science and technology, philosophy, essays will be asked. Aisa likha hai? Current affairs based essays will be asked. Aisa likha hai? Kya likha hai phir? क्या लिखा है? चार लाइनें लिखी हैं, दैट कैंडिडेट्स विल बी आस्क्ड टू कीप क्लोजली टू द सब्जेक्ट ऑफ द एसे. जो भी वहां पे दिया हुआ है उससे एज क्लोज आप रह सकते हैं. एग्जैक्ट एंड इफेक्टिव एक्सप्रेशन के आपको मार्क्स मिलेंगे. आपको कोई बीटिंग अराउंड द बुश नहीं करना है. आपको एकदम ऐसा एसे लिखना है जो बहुत ईजीली आपका एग्जामिनर समझ पाए. बिफोर स्टार्टिंग दिस सेशन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ. आपका जो एग्जामिनर वहाँ पे होता है वो कोई ऐसा एसे का एक्सपर्ट नहीं है, बिकॉज आपने कभी स्ट्रीम अभी देखी नहीं होगी इससे. ग्रेजुएशन में कोई था मास्टर्स इन एसे राइटिंग? नहीं था ना, तो कोई होता ही नहीं ऐसा. तो वहाँ जो आपके रेगुलर ह्यूमैनिटीज़ वाले टीचर्स होते हैं वही करेक्ट कर रहे होते हैं, जो भी प्रोफेसर्स होते हैं वही करेक्ट कर रहे होते हैं. वो चाहते हैं कि आप बहुत ही लूसिड और सिंपल एसे लिखो. सिंपल से मतलब ऐसे नहीं कि माई इंडिया पे एसे लिखना है, मेरा बेस्ट फ्रेंड रामू पे एसे लिखना है, ऐसा नहीं. सिंपल लूसिड से मतलब है कि आप बहुत ज़्यादा ऐसी इंग्लिश नहीं यूज़ करो जो आपको भी समझ नहीं आए. जस्ट फॉर द सेक ऑफ यूजिंग आप यूज़ कर रहे हो और एग्जामिनर को भी समझ नहीं आए आप क्या कहना चाह रहे हो. आपके और आपके एग्जामिनर के बीच में आपकी जो कॉपी होती है ना, वही इंटरफेस होता है, वही आपकी पर्सनैलिटी बताता है. अब एग्जामिनर आपको पर्सनली तो जानता नहीं ना, आपसे कभी मिला होगा, तो अल्टीमेटली वो प्रिज्यूम करके चल रहा है. सो वट एवर यू हैव रिटन इन दैट स्क्रिप्ट इज बेसिकली योर पर्सनैलिटी. एंड बाय गिविंग दिस एसे पेपर यूपीएससी वॉन्ट्स टू जज योर पर्सनैलिटी. यूपीएससी ये देखना चाहती है कि आपकी पर्सनैलिटी एक्चुअली में है कैसी. एवरी एसे हैज़ अ प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच और प्रिस्क्रिप्शन. अब इतना बड़ा एसे दिया 1200 वर्ड्स का, कभी सोचा क्यों दिया? इस 1200 वर्ड्स में दे आर ट्राइंग टू सी कि आपकी पर्सनैलिटी कैसी है अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम दी जाए. बिकॉज वेन यू विल बी अ सिविल सर्वेंट आपका काम क्या है? प्रॉब्लम सॉल्विंग. सोसाइटी की प्रॉब्लम, एडमिनिस्ट्रेशन की प्रॉब्लम, कंट्री की प्रॉब्लम, ठीक है, यही करना है. तो एग्जैक्टली यहाँ पे भी ये प्रिज्यूम करके चल रहे हैं कि हमने आपको एक सोशल टॉपिक दिया है, हमने आपको एक फिलोसफिकल टॉपिक दिया है. उस टॉपिक के अराउंड आप किस तरह से प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर सकते हैं. व्हेन इट कम्स टू फिलोसफिकल टॉपिक, दे आर आस्किंग यू टू आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम एंड गिव द सॉल्यूशन. व्हेन दे आर गिविंग अ डायरेक्ट सोशल टॉपिक, सो प्रॉब्लम इज ऑलरेडी गिवन, यू नीड टू गिव द सॉल्यूशन. बस ये डिफरेंस है फिलोसफिकल में और बाकी टॉपिक्स में. तो प्राइमा फेसी फिलोसफिकल टफ लगता है, उसको हम क्लासेस में करेंगे बहुत डिटेल में कि क्यों वो टफ नहीं है, और बाकी टॉपिक्स तो नो डाउट ईजी हैं ही. देखो फर्स्ट थिंग फर्स्ट इज हम इस क्लास में देखेंगे कि बेसिक्स क्या है इससे पेपर के, देन सिलेबस, स्ट्रैटेजी एंड हाउ यू हैव टू मूव फॉरवर्ड वाइल राइटिंग एन एसे. बाकी यू मस्ट बी नोइंग मी, आई हैव बीन टीचिंग एसे सिंस पास्ट 8-9 ईयर्स टू यूपीएससी एस्पिरेंट्स. यहाँ पे हम एसे की राइटिंग क्लासेस भी करेंगे सो दैट यू कैन राइट देम एज वेल. ये चीज़ मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं कि 250 मार्क्स का आता है तो इग्नोर नहीं कर सकते. इनफैक्ट इफ यू सी कि जो लोग सिलेक्शन जिनका हो गया है, जिनकी बहुत अच्छी रैंक आई है, और जिनका नहीं हुआ है, बेसिक्स क्या रहा कि एसे में मार्क्स अच्छे नहीं थे, ऑप्शनल में और एथिक्स में मार्क्स अच्छे नहीं थे. तो ये तीन फाउंडेशन पिलर्स हैं आपके मेंस के. अगर आप इन तीनों को अच्छा कर लेते हैं, रॉक सॉलिड कर लेते हैं, तो ऑब्वियसली आपकी रैंक भी अच्छी होगी, ऑब्वियसली मार्क्स अच्छे होंगे ही होंगे. देन अल्टीमेटली सेकंड क्वेश्चन कम्स कि पढ़ना क्या? सर कोई बुक तो बताओ. हर चीज़ की बुक बताई जाती है, एसे की कोई बुक नहीं बताता. एसे के लिए कोई बुक है भी नहीं मार्केट में. अगर कोई बुक मिल रही हो ना 50 एसेज, उससे अच्छा 50 शेड्स ऑफ ग्रे पढ़ लेना. टाइम वेस्ट करोगे 50 एसेज पढ़ के, क्योंकि अल्टीमेटली ऐसा कोई भी एक टेम्पलेट नहीं हो सकता जो हर जगह आप ले जाके फिट कर सको. आइडिया क्या होगा कि यू नीड टू कलेक्ट सम फॉडर. फॉडर इज योर बेस मटेरियल. दैट फॉडर विल बी कलेक्टेड फ्रॉम योर डे टू डे प्रिपरेशन ऑफ जीएस. लेट अस से यू हैव सोशियोलॉजी ऑप्शनल, लेट अस यू हैव पॉल साइंस ऑप्शनल, यू हैव फिलोसफी ऑप्शनल, लेट अस से इवन इफ यू हैव अ साइंस ऑप्शनल, तो वहाँ से भी कुछ आइडिया तो मिलेगा ही आपको, या साइंस में एज एन फिजिक्स केमिस्ट्री टाइप, तो कुछ तो आइडिया होगा राइटिंग का एटलीस्ट. सो दिस इज वॉट एसे नीड्स, कि आपको कोई स्पेसिफिक बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको स्पेसिफिक मटीरियल उठाने की जरूरत नहीं है. आपके जो जो मटीरियल अवेलेबल है आपके पास डे टू डे बेसिस पे, आप एसे की प्रिपरेशन कर रहे हो. द डे यू स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर जीएस, यू ऑटोमेटिकली स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर एसे. थर्ड थिंग इज कि सर अच्छा ठीक है ये सारी बातें तो हमें भी पता है, फिर मार्क्स कैसे ज़्यादा आते हैं? मार्क्स आते हैं ज़्यादा इन्वॉल्व होके. इफ आई टीच यू विल रिमेंबर, बट इफ आई इन्वॉल्व यू यू विल बिकम मास्टर. द आइडिया इज इन्वॉल्वमेंट. अब इन्वॉल्वमेंट कैसे?
जैसे लेट अस से मैं आपसे बोलूँ एक ड्राइविंग स्कूल चलते हैं और कार ड्राइविंग सीखते हैं, लेकिन मैं आपको कार ड्राइविंग बोर्ड पे सिखाऊंगा, विल यू बी एबल टू लर्न द कार ड्राइविंग इफेक्टिवली? नहीं सीख पाओगे. आइडिया इज दैट यू हैव टू ड्राइव द कार. सो सिमिलरली ओवर हियर इज यू हैव टू राइड द एस्से. इन दीज क्लासेज आई कैन गिव यू द डायरेक्शन, आई कैन गिव यू द मटीरियल, आई कैन टेल यू कि न्यूज़पेपर्स में से क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हो सकती हैं, आई कैन टेल यू कि इंटरप्रिटेशन कैसे करना चाहिए, लेकिन लिखना आपको पड़ेगा, बिकॉज अनलेस यू आर नॉट राइटिंग एन एस्से यू विल नॉट बी एबल टू क्वालिफाई एस्से पेपर. तो राइटिंग इज द की ऑफ क्वालिफाइंग एस्से पेपर. नाउ वट यू पी एस सी इज एक्चुअली लुकिंग इन द एस्से पेपर, ऐसा क्या देख रही है यू पी एस सी कि एक स्टूडेंट को 140 मार्क्स दे रही है, वहीं दूसरे स्टूडेंट को 80-85 मार्क्स दे रही है. सो जब हमने देखा इतने टाइम से जो स्टूडेंट्स लिख रहे थे ऐसे, जब उनकी कॉपीज़ देखी, जब सिलेक्शन हुआ, तो एक इंग्रेडिएंट बहुत इंपॉर्टेंट मिला उन कॉपीज़ में जिनका सिलेक्शन हुआ. दे वर वेरी इनोवेटिव इन नेचर. अब इनोवेटिव का मतलब जेके रॉलिंग नहीं बनना, इनोवेटिव का मतलब लेट अस सेफ आई एम आस्किंग यू, सोशल मीडिया इज इनहेरेंटली अ सेल्फिश मीडियम. ये टॉपिक आया था 2017 में, सोशल मीडिया इज इनहेरेंटली अ सेल्फिश मीडियम. क्या इनोवेशन दोगे इसमें? ऐसा क्या एक ऐसा कीवर्ड आप उठा के दोगे, ऐसा क्या एक एनिकडोट, ऐसा क्या एक एग्जाम्पल आपके माइंड में आ रहा है, थॉट आ रहा है कि सोशल मीडिया एक सेल्फिश मीडियम है या नहीं है? कुछ इनोवेटिव सोशल मीडिया नॉट मीडिया. देखो दिस इज अ डिफरेंस. यूपीएससी ने क्या कहा, एग्जैक्ट एंड इफेक्टिव एक्सप्रेशन. एग्जैक्टनेस क्या है यहाँ पे? एग्जैक्टनेस है यहाँ पे सोशल मीडिया, मीडिया नहीं है. हम क्या करेंगे, 100 से 150 वर्ड मीडिया 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 पे लिखेंगे, फिर हमें याद आएगा अच्छा इससे तो सोशल मीडिया पे था. दिस ईयर आई नॉट नेम वन टॉपर, शी वॉज माई स्टूडेंट ओनली. अब ऐसे में जान बच गई उसकी. हुआ क्या कि स्टार्टेड राइटिंग और बीटिंग अराउंड द बुश शुरू कर दिया, और लास्ट में जब की कोर कंक्लूजन लिखना था तो पेजेस ही खत्म हो गए थे, तो रफ वर्क में लिख के आना पड़ा. 10 मार्क्स उसके कम हो गए, बट अदरवाइज बाकी ज़्यादा मार्क्स थे, तो रैंक डबल डिजिट आ गई और डबल डिजिट भी ऑलमोस्ट लास्ट थी. सो अब यहाँ पे मैंने आपसे पूछा सोशल मीडिया इज इनहेरेंटली अ सेल्फिश मीडियम, बट इनोवेशन यू कैन डू ओवर हियर. सोचो क्या इनोवेशन कर सकते हैं. ऐसा कोई करंट सिनेरियो दिमाग में आ रहा हो जहाँ पे सोशल मीडिया का अच्छा यूज़ किया गया हो या खराब यूज़ किया गया हो? अरे करेंटली कोई भी ऐसा एग्जाम्पल उठा लो ना कि यू मस्ट हैव सीन समवन, आपको अब नहीं याद आ रहा. क्रिएट तो कर सकते हैं, यहाँ यही क्रिएटिविटी और इनोवेटिवनेस की बात होती है कि याद नहीं आ रहा लेकिन हम क्रिएट कर सकते हैं. कैसे क्रिएट करें, नॉवल कैसे बनाएं? किसी भी ऐसे पर्सन का आप बात कर सकते हो जो जो भी हाल ही में सोशल मीडिया पे वायरल हुआ. वैसे तो वो काके का ढाबा मत लिखना, वो वायरल भी हुआ गलत रीज़न के लिए और फिर उसके बाद डी वायरलाइजेशन भी हो गया. ठीक है, तो समथिंग लाइक दिस. ठीक है, एक वो स्टूडेंट था सोनू पटना से, ठीक है, गॉट वायरल. वो तो खैर मीडिया के थ्रू वायरल हुआ, बट अल्टीमेटली दैट वेंट टू सोशल मीडिया. आजकल क्या होता है, समथिंग विच इज़ पुट ऑन सोशल मीडिया दैट गेट्स वायरल वेरी इजीली, और जैसे ही वो वायरल होता है तो लोग उसकी हेल्प में आगे आ जाते हैं. तो सिमिलरली कि हम यहाँ पे कह रहे हैं कि सोशल मीडिया इनहेरेंटली सेल्फिश मीडियम नहीं है. एक केस इनोवेशन यही है आपकी कि आपने करंट अफेयर्स से उसका इंट्रोडक्शन उठा लिया. और वो कहाँ से मिला आपको, न्यूज़पेपर से मिला. कोई भी वुमेन सेंट्रिक लॉ का रिफॉर्म होना, ठीक है, रेलवेज़ के केस में लेटेस्ट है, सर्विसेज अच्छी नहीं है रेलवेज़ के केस में. इनफैक्ट एक बार सोशल मीडिया को यूज़ किया गया था कि देर वॉज वन पर्सन हु वॉज ट्रैवलिंग इन ट्रेन ओनली, ही गॉट टू नो कि उसके बराबर में जो कंपार्टमेंट में कुछ 8-9 एडोलिसेंट गर्ल्स थी जिनको नेपाल से ट्रैफिक करके ले जाया जा रहा था. उसने गोरखपुर में ट्वीट किया, बाय द टाइम ट्रेन 50 किलोमीटर आगे पहुंची, आरपीएफ ने एक्शन लिया और उन लोगों को रेस्क्यू कर लिया. गुड यूज़ ऑफ सोशल मीडिया. एट द सेम टाइम बैड यूज़ ऑफ सोशल मीडिया, पबजी की आदत पड़ गई, ठीक है, इलीगल एक्टिविटीज़ में लग गए, ट्रोलिंग कल्चर हो गया है, बैड यूज़ ऑफ सोशल मीडिया इन द नेम ऑफ एनोनिमिटी, पीपल आर ट्रोलिंग. गेटिंग दिस? सो दिस इज़ हाउ यू कैन सी सोशल मीडिया. अब ये कैसे आया आपका, करंट अफेयर्स से आ गया. तो आइडिया ये है, सबसे पहले आप ये समझोगे कि क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है. इट इज़ सेइंग इनहेरेंटली अ सेल्फिश मीडियम. आप पहले तो अपने आप से क्वेश्चन पूछो, इज इट अ सेल्फिश मीडियम. Always try to reinterpret the question given by the UPSC. Ask the question yourself. Ask the question to yourself. Is it a selfish medium? Yes. Yes to an extent. No to an extent. दोनों बातें सही हैं. तो हम ऐसे क्या करेंगे? दोनों पे लिखेंगे. Balance करके लिखेंगे.
तो जब हम ये लिखेंगे तो अपने आप हमारा एसे क्या होगा, इनोवेटिव हो जाएगा। जैसे सिलेबस की यहाँ पे अगर हम बात करें तो यूपीएससी सिलेबस किस तरह से समझाना जाता है, वो कहता है कि हम सिर्फ फोकस करते हैं राइट डिकॉन्स्ट्रक्शन पे। जैसे हमने यहाँ क्या समझा, हमने यहाँ पे टॉपिक देखा कि सोशल मीडिया है, हमने मीडिया पे नहीं लिखे हम, तो अल्टीमेटली राइट डिकॉन्स्ट्रक्शन हो गया, कीवर्ड उठाया आपने, देन एप्ट आर्ग्यूमेंट्स एंड नो डाइवर्जेंस। ओवर हेयर व्हेन वी विल बी राइटिंग अबाउट सोशल मीडिया, हम पहले 100 वर्ड्स इस पे नहीं वेस्ट करेंगे कि आईटी आया, फिर आईटी 1.0 आया, फिर उससे इंटरनेट आया, फिर उससे सोशल मीडिया आया। हिट द बुल्स आई, सोशल मीडिया आया, आईटी की वजह से आया, ये बात हम मानेंगे। एक डेफिनेशन में यही कहेंगे, सोशल मीडिया इज नथिंग बट इंटरैक्शन थ्रू इंटरनेट मीडियम बाय वेरियस एप्स कॉल्ड ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, तो दीज आर सोशल मीडिया। तो बस इतनी डेफिनेशन बहुत। अब ये नहीं कि आप शुरू हो गए 1950 से, कैसे कंप्यूटर बना, कंप्यूटर लाए देश में, फिर अब कंप्यूटर नहीं लाते तो सोशल मीडिया नहीं आता, नथिंग लाइक दिस। सो दिस इज व्हाट दे आर सेइंग, नो डाइवर्जेंस, बिकॉज लुक यू हैव वेरी लेस अमाउंट ऑफ टाइम एंड यू कैन से वर्ड्स ओवर देयर। आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें लिखनी है, यू हैव टू राइट समथिंग अबाउट एवरीथिंग। एसे इज ऑल अबाउट राइटिंग समथिंग अबाउट एवरीथिंग रादर देन एवरीथिंग अबाउट समथिंग। स्टूडेंट्स की हैबिट क्या होती है, 500 वर्ड सिर्फ एवोल्यूशन पे लिख देंगे सोशल मीडिया के। अब यहाँ पे आपको ये भी तो पता ना, सोशल मीडिया के इश्यूज क्या हैं, कंसर्न्स क्या हैं, चैलेंजेस क्या हैं, कैसे उन चैलेंजेस को ओवरकम करें, हाउ सोशल मीडिया कैन बी पुट टू अ गुड यूज फॉर द सोसाइटी, फॉर द गवर्नेंस, इफेक्टिव गवर्नेंस। कोविड के टाइम पे सोशल मीडिया भूल गए, ऑक्सीजन ऑक्सीजन हो रहा था, कहाँ हो रहा था, सोशल मीडिया पे ही तो हो रहा था। So this is how it turned to be a boon. At the same time, people were duping through social media only. People were looking towards the desperate people, the hackers and the scamsters, and they were duping them. So this is how social media is both selfish and a good medium. तो ये हो गया आपका सिलेबस, ये कहता है। Apart from that, वो कहता है कि आप जो भी ideas लिख रहे हैं उनको orderly fashion में लिखना है। Orderly fashion means structuring. नाउ द क्वेश्चन कम्स कि सर स्ट्रक्चरिंग ही तो सबसे बड़ा इशू है, यही नहीं हो पाता। जो भी आपके पास पॉइंट्स हैं उन पॉइंट्स को आप हिस्टोरिकली लगाओ, टेम्पोरल वे में लगाओ। दैट मीन्स हिस्ट्री फर्स्ट, प्रेजेंट सेकेंड एंड फ्यूचर थर्ड। सो ऑटोमेटिकली दैट विल गिव अ स्ट्रक्चर। स्टूडेंट्स हैव अ हैबिट ऑफ राइटिंग फ्यूचर फर्स्ट देन हिस्ट्री देन प्रेजेंट। भाई लॉजिकली मैं आपसे बोलूँ कि अपने एक्सपीरियंसेस बताओ लाइफ के, तो बताओगे ना, जब मैं छोटा था तो ये हुआ था, फिर बड़ा हुआ तो ये हुआ, फिर अब ऐसा हो रहा है। गेटिंग दिस? सो दिस इज हाउ अ लॉजिकल प्रेजेंटेशन एंड ऑर्डरली फैशन इज द की। ये बहुत बेसिक चीजें हैं, ये प्रैक्टिस है, जब आप करोगे तो आ जाएंगी। तीसरी चीज वो कहते हैं कि मार्क्स उन्हीं को मिलेंगे जो कंसाइज लिखेंगे, नो बीटिंग अराउंड द बुश, और इफेक्टिव और एग्जैक्ट जिनकी प्रेजेंटेशन होगी, रिप्रेजेंटेशन होगी। दैट मीन्स लैंग्वेज स्किल्स पे बहुत ज़्यादा शशि थरूर को फॉलो नहीं करना, अगर फॉलो करते हो तो छोड़ दो दोनों तरह से, ठीक है। अदरवाइज आपको क्या करना है, जो भी आपकी डे टू डे लेमन लैंग्वेज है, इंग्लिश है, दैट इज़ मोर देन एनफ, ठीक है। आप कई बार स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो कैब बैंक बनाने लग जाते हैं, वोकैबलरी का बैंक बनाएंगे। सर क्या कर रहे थे, ऐसे नहीं लिखने हैं, सर मैंने आज 10 वर्ड सीखे, यूज़ कहाँ करोगे। तो आइडिया इज कि वर्ड्स यहाँ पे एक मीडियम है, आप जो भी आपकी डेली बेस, जो भी हमारी एक लैंग्वेज है, मतलब हमारी जो वर्ड्स हैं, वो कैब है, जो हम न्यूज़पेपर्स में पढ़ते हैं, बस उतना ही करना है, उससे ज़्यादा नहीं जाना। देन उसके बाद आर्ग्यूमेंट्स वैलिड होने चाहिए। कोशिश करो कि जब आप एसे की प्रैक्टिस कर रहे हो ड्यूरिंग दिस कोर्स ऑफ सम 90 डेज बचे हैं, अब 85-90 डेज, तो आप कुछ वैलिड आर्ग्यूमेंट्स बिल्ड कर सकते हो, कुछ फैक्ट्स आप कलेक्ट करना स्टार्ट करो। लेट अस से यस्टरडे इंटरनेट पे या एनवायरनमेंट पे कोई रिपोर्ट आई है, तो उस एनवायरनमेंट की रिपोर्ट में इंडिया की पोजीशन देख लो क्या है, वो जीएस में भी हेल्प करेगी। सिमिलरली इफ द एसेज ऑन एनवायरनमेंट, यू विल बी एबल टू पुट दैट फैक्ट्स। बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछते हैं कि क्या सर कितने फैक्ट्स लिखें। बहुत ज़्यादा फैक्ट्स एसे में नहीं लिखने हैं। आइडिया यह है कि अगर कोई बहुत रिनाउंड फैक्ट है, लेट अस से फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन वर्ल्ड में इंडिया में सबसे कम है, 23%, तो वो तो बताना पड़ेगा अगर आप जेंडर इक्वालिटी की बात कर रहे हो, एम्प्लॉयबिलिटी की बात कर रहे हो, सोशल मीडिया पर या इंटरनेट पेनिट्रेशन की बात है, वुमेन एंड इंटरनेट पूछा गया, वुमेन एंड आईटी पूछा गया, बताना पड़ेगा ओनली 30-35% हैव एक्सेस टू मोबाइल फोन्स और एक्सेस टू इंटरनेट एंड ओनली 20-22% हैव स्मार्टफोन्स, रेस्ट 80% वुमेन डू नॉट हैव एक्सेस टू सर्टेन काइंड्स ऑफ थिंग्स। तो एक तरफ हम बात कर रहे हैं डिजिटल एम्पावरमेंट की और दूसरे हम डेटा से बता रहे हैं कि यार वुमेन के पास डिजिटल फैसिलिटीज़ ही नहीं है, तो एम्पावरमेंट कैसे होगा।
गेटिंग दिस? सो दिस दीज काइंड ऑफ फैक्ट्स आर नेसेसरी, और ये आपको डेली जब आप न्यूज़पेपर्स पढ़ रहे हैं, अपने जीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं 1, 2, 3 में, आपको यहाँ पे ये चीज़ें मिल रही हैं। देन अल्टीमेटली डायग्राम्स एंड फ्लो चार्ट्स को लेकर एक बड़ा कन्फ्यूजन होता है स्टूडेंट्स की, कि लिखना चाहिए या नहीं लिखना चाहिए। इसमें बहुत डिवाइडेड व्यू है। जो स्टूडेंट्स क्वालिफाई हुए मैंने उनसे पूछा, तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने नहीं लिखे थे, नहीं डायग्राम्स बनाए थे, मार्क्स मिले। एक दो ऐसे स्टूडेंट्स उन्होंने बनाया डायग्राम और मार्क्स मिल गए। आई पर्सनली बिलीव कि डायग्राम्स को हमें अवॉइड करना चाहिए, बिकॉज आपके पास बहुत टाइम होता है ऐसे लिखने का। इन जीएस पेपर तो ठीक है, डायग्राम्स एंड फ्लो चार्ट्स विल हेल्प बिकॉज यू हैव अ पॉसिटी ऑफ टाइम। ऐसे में तो आपके पास बहुत समय होता है। आप इनफैक्ट देखेंगे अगर आप प्रैक्टिस के साथ वहाँ जाते हैं तब भी आप वहाँ पे जाके अराउंड 15 मिनट सेव कर पाएंगे दोनों ऐसे लिखने के बाद और अच्छा लिखने के बाद। सो दिस इज वेयर दीज थिंग्स कैन बी अवॉइडेड। मोर ओवर डायग्राम्स एंड फ्लो चार्ट्स, इफ़ यू हैव सम एस्टैब्लिश डायग्राम विद यू, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट में आया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की रिपोर्ट में आया था, UNDP की रिपोर्ट में था, यू कैन राइट इट, प्रोवाइडेड लेबलिंग उसकी प्रॉपर होनी चाहिए। बिकॉज एग्जामिनर को तभी समझ में आएगा डायग्राम जब तक वो लेबल्ड है। अगर वो लेबल्ड नहीं है तो आप नहीं समझा पाओगे। वो बाद में आपको कॉल करके पूछेगा नहीं क्या था, कन्फ्यूजन हो रही है, बताओगे ज़रा। और सच होता है उसने अगर कॉल किया भी तो आपको याद नहीं होगा कि आपने क्या किया था, क्योंकि इतने प्रेशर में एग्जाम लिखते हैं। गेटिंग दिस? सो दिस इज वॉट यू नीड टू अंडरस्टैंड। देन अल्टीमेटली मल्टी डायमेंशनैलिटी इज द की। अब 1200 वर्ड कैसे लिखेंगे एक टॉपिक पे? अनलेस यू आर नॉट मल्टी डायमेंशनल नेचर, यू विल नॉट बी एबल टू राइट 1200 वर्ड्स। सो दिस इज वन थिंग। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात है, कोई भी ऐसे पूछा जाए, प्रिस्क्रिप्शन इज नेसेसरी। प्रिस्क्रिप्शन इज अपनी एडवाइस, वे फॉरवर्ड, क्या होना चाहिए। सोशल मीडिया खराब है तो क्या उसमें ठीक किया जाना चाहिए, वॉट इज टू बी डन, हाउ इट कैन बी अ बून फॉर दी सोसाइटी, बिकॉज एवरी टेक्नोलॉजी इज अ बून एंड द बेन एट द सेम टाइम। यू नीड टू टेल देम कि नो, इट इज बेन फॉर सम रीजंस, बट अगर हमने इन रीजंस को ओवरकम कर लिया, इट विल बी अ बून फॉर एवरीवन। सो दिस इज वॉट इज रिक्वायर्ड। इवन इन फिलोसफिकल एसेज ऑल्सो, अगर आप प्रिस्क्रिप्शन दे रहे हैं, बिकॉज इफ यू सी मोस्ट ऑफ द फिलोसफिकल एसेज हम क्लास में बहुत डिटेल में करेंगे, वैल्यू बेस्ड है, तो वैल्यूज इनकलकेट करने का प्रिस्क्रिप्शन, वैल्यू मिसिंग है, वैल्यू इनकलकेट करनी है, एथिक्स मिसिंग है, एथिक्स इनकलकेट करनी है। जैसे उसमें कुछ इंपॉर्टेंट है, गांधी 7 sin, अब डाल दो करप्शन का इससे है तो। गेटिंग दिस? सो दिस इज वॉट यू नीड टू डू वेन इट कम्स टू इफेक्टिव एंड एग्जैक्ट प्रेजेंटेशन। देन नेक्स्ट इज योर 250 मार्क्स है, सीधा है। अच्छा, सबसे बड़ी वजह से मैंने कहा कि लेस वर्ड पर मिनट लिखने होते हैं आपको, तो आपके पास टाइम बहुत बच जाता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ऐसे वहीं जाके प्रैक्टिस करेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं कहते हैं ऐसे तो हो गया, वहीं जाके करेंगे, एंड अल्टीमेटली क्या होता है, ब्लंडर हो जाता है। एक ऐसे पे इतना ज़्यादा टाइम दे देते हैं बिकॉज वो ऑप्शनल वाला होता है। अच्छा, आई बिलोंग टू सोशियोलॉजी, वुमेन पे ऐसे है, मुझसे अच्छा कोई नहीं लिख सकता। अल्टीमेटली सेकंड ऐसे में ब्लंडर होता है। फिलोसफी ऐसे है, मुझसे अच्छा कोई नहीं लिख सकता। सो आइडिया ये है कि ये लेस वर्ड पर मिनट का कॉन्सेप्ट आपको यहाँ प्रैक्टिस करके जाना पड़ेगा, तभी आपका जो ऐसे है वो अच्छा होगा। और बेस्ट इज जर्नलिस्ट अप्रोच होनी चाहिए, बहुत स्पेसिफिक नहीं जाना, रिसर्च नहीं करके देके आनी है। आई एम टेलिंग अगेन एंड अगेन, बिकॉज यू हैव टू राइट समथिंग अबाउट एवरीथिंग, तो ऑब्वियसली अगर आप रिसर्च मोड में चले जाओगे तो आप एवरीथिंग अबाउट समथिंग पे आ जाओगे। एक ही टॉपिक के बारे में 600 वर्ड लिख दिए, बाकी के लिए क्या करोगे फिर? तो ऐसे ऐसा नहीं लगना चाहिए कि एक टॉपिक पे तो आपने बहुत टाइम दिया है एक पैरामीटर पे, और बाकी पैरामीटर्स आप टच करके आगे निकल गए। नेक्स्ट इज योर कि टाइम मैनेज कैसे करें ऐसे में। हमने देखा कितने मिनट्स हैं टोटल, 90, ठीक है। अब 90 के 90 लिखने में नहीं लगाने। ऐसे राइटिंग की सबसे बेस्ट अप्रोच होती है ब्रेनस्टॉर्मिंग बिफोर राइटिंग इट। यू नीड टू कलेक्ट द फॉडर। लेट अस से द टॉपिक इज, अगेन चलते हैं उस पर, सोशल मीडिया इज अ सेल्फिश मीडियम। अब फर्स्ट थिंग फर्स्ट इज यू नीड टू फिगर आउट कि इसमें कीवर्ड क्या है। सोशल मीडिया, नाउ इट इज सेइंग सेल्फिश मीडियम, पोज अ क्वेश्चन, यस एंड नो। 15 मिनट अब आप यहां क्या करोगे, ब्रेनस्टॉर्मिंग करोगे रफ वर्क में, सोशल मीडिया डेफिनेशन, सोशल मीडिया सेल्फिश मीडियम, सोशल मीडिया नॉट सेल्फिश मीडियम। इस तरह से रफ वर्क में ड्रॉ कर सकते हो यस एंड नो, एंड ट्राई टू राइट डाउन पॉइंट्स दैट हाउ इट इज अ सेल्फिश मीडियम, हाउ इट इज नॉट अ सेल्फिश मीडियम। देन ऑब्वियसली नेक्स्ट थिंग विल बी इन ब्रेनस्टॉर्मिंग ओनली करंट चैलेंजेस, issues, then challenges, then solutions, then
वे फॉरवर्ड हो गया, ये आपका एक स्केलेटन रेडी हो गया। अब यूजुअली क्या होता है कि कई बार लेटर से यहाँ तो हमने चलो पहले से ही हमने इसको स्ट्रक्चर वे में ही हमने कंटेंट इसका फॉर्डर रखा है, कई बार वहाँ पे आपको ना कंटेंट जो है वो स्ट्रक्चर्ड वे में नहीं आ रहा होता, एक के बाद एक जो कंटेंट आ रहा होता है दिमाग में वो अनस्ट्रक्चर्ड होता है, तो आप क्या करोगे पेपर पे उसको नोट डाउन करेंगे एंड देन यू कैन पुट हाईलाइटेड कि दिस आई यूज इन द यस पार्ट, दिस लाइन आई दिस एग्जांपल आई यूज इन द नो पार्ट, ये चैलेंजेस में आ जाएगा, ये इश्यूज में आ जाएगा, सॉल्यूशंस में आ जाएगा, ये वे फॉरवर्ड में आ जाएगा। दिस कैन ऑल्सो बी डन ओवर देयर, क्योंकि वहाँ स्ट्रक्चरली आपको आइडियाज़ नहीं आ रहे होंगे, आइडियाज़ बहुत अनस्ट्रक्चर्ड आएंगे, टाइम पॉसिटी है, प्रेशर है। सो दिस इज हाउ यू कैन डू कि आपने अपने टाइम को इस तरह से डिवाइड करना है, 60-65 मिनट्स आपको राइटिंग पे देने हैं, अराउंड 20 मिनट्स आपको ब्रेनस्टॉर्मिंग पे देने हैं, और कोशिश ये करना है कि दोनों एसेज में से 10-10 मिनट आपको पहले से सेव करके चलने हैं। आइडिया क्या होगा कि जब आप 10 मिनट सेव करने का टारगेट रखोगे तो आपके हाथ में 5 मिनट बचेंगे, ये आपको सेव करके चलना है। ऐसा नहीं हो कि एग्जाम इन्विजिलेटर आपके सिर पे खड़ा हुआ है, ही इज आस्किंग फॉर द कॉपी एंड आप अभी कंक्लूजन लिख रहे हो, तो अल्टीमेटली क्या होगा कि आपने स्टार्टिंग से इससे बहुत अच्छा लिखा, कंक्लूजन आपने बहुत ही बिलो एवरेज लिखा, बहुत वर्स्ट लिखा, मार्क्स फिर भी नहीं आएंगे। सो दैट इज़ वाई यू हैव टू मेंटेन अ बैलेंस बिटवीन बोथ द एसेज। यूजुअली स्टूडेंट्स आर ऑल्सो फेसिंग द प्रॉब्लम कि वेन दे सी एनी एसे ऑफ देयर चॉइस, उनको लगता है यार ये तो बड़ा अच्छा है, इंटरेस्ट भी है, ऑप्शनल भी है, इसको तो फोड़ के आना है। सो दे आर राइटिंग दैट एसे फॉर 120 मिनट्स, इफेक्टिवली दूसरा एसे आपको 60 मिनट बचे, फिर ब्लेंडर करके आओगे। यूपीएससी की हैबिट है एवरेज मार्क्स देने की, आप एक एसे बहुत अच्छा लिख के आते हो, मतलब एक्सेलेंट, जेके रॉलिंग ने भी ऐसी किताब नहीं लिखी, आपका एसे ऐसे था, फिर भी यूपीएससी इज नॉट गोइंग टू अवार्ड यू मोर देन 65-70 मार्क्स एक एसे में। दूसरा एसे ब्लेंडर हो गया, यूपीएससी इज अवार्डिंग यू अराउंड 40% मार्क्स, 50 मार्क्स आ गए, कितने हो गए, इतनी मेहनत करने के बाद फिर 125 पे अटक गए। सो आइडिया इज बैलेंस करके चलो, कोशिश करो कि दोनों में एटलीस्ट यू आर गेटिंग 65 मार्क्स, एवरेज 130 आ गए, इतने आ जाए बहुत हैं, हाँ इसके ऊपर अगर आ रहे हैं तो दैट इज़ एक्सेलेंट, कि किसी एक में 70 है, दूसरे में 65 है, वेरी गुड, दोनों में 70 आ गए तो फिर लाइफ बन गई, गेटिंग दिस। सो दिस इज़ वॉट यू नीड टू टेक केयर ऑफ एंड दिस हैज़ टू बी डन ओवर हेयर ओनली, ये वहाँ नहीं हो पाएगा। ऐसे में बार बार कह रहा हूँ, ऐसे इज द गेम ऑफ प्रैक्टिस, द मोर यू विल राइट द बेटर यू विल बी एबल टू राइट इज द की मंत्र ऑफ राइटिंग द एसे पेपर। जितने स्टूडेंट्स का हुआ, अगर आप अनुदीप दुरीशेट्टी की 2017 की स्ट्रैटेजी देखेंगे, अभिषेक सुराना 2017 की स्ट्रैटेजी देखेंगे, दोनों टॉपर्स हैं, रैंक वन रैंक टेन, दोनों की सेम स्ट्रैटेजी, दोनों फ्रेंड्स थे, अल्टीमेटली दे वर राइटिंग अ लॉट ऑफ एसेज ओवर हेयर एंड दे वर कलेक्टिंग अ लॉट ऑफ कंटेंट ओवर हेयर ओनली। वो कुछ कुछ एसेज ना पहले से प्रिपेयर करके ले गए थे, वुमेन पे आएगा तो ये इंट्रोडक्शन चिपका देना है, ये कंक्लूजन चिपका देना है, ये बिफोर हैंड करके चलना पड़ेगा, ये वहाँ के लिए नहीं छोड़ना है, क्योंकि जहाँ इतनी मेहनत कर रहे हैं वहाँ एक छोटा सा ब्लेंडर वापस से एक साल पीछे ले जाएगा, ठीक है, वो ब्लेंडर नहीं करना है। देन अल्टीमेटली टॉपिक सिलेक्शन कैसे करना है, इस पर अभी हम आएंगे। तो क्या डूज है, रेडीमेड कंटेंट होना चाहिए, आपको कंसाइज रहना है, आपको एनालिटिकल रहना है, प्रेजेंटेशन बैलेंस होनी चाहिए। कई बार स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर इसमें तो पूछा ही नेगेटिव क्या था, इट इज़ इनहेरेंटली अ सेल्फिश मीडियम, तो मैं पॉजिटिव क्यों लिखूं? आप नेगेटिव लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, आप 1200 वर्ड लिख पाओगे। एंड अल्टीमेटली आई एम सेइंग अगेन एंड अगेन, सोशल मीडिया इज नॉट कम्प्लीटली अ बेन, इट इज़ अ बून, एट द सेम टाइम इट इज़ गोइंग टू बी अ बेन, तो आपको बैलेंस बना के चलना है और बेन के बारे में काउंटर सॉल्यूशंस देने हैं कि कैसे उस बेन को बून में कन्वर्ट कर सकते हैं, तभी 1200 वर्ड्स होंगे। देन नेक्स्ट इज योर मैनेजिंग टाइम एंड अल्टीमेटली रिविजन इज नेसेसरी। अब नाउ यू विल से कि सर लिख दिया ऐसे पेन से, रिवाइज करने के बाद कुछ एडिशन का स्कोप हुआ तो करना है, मत करो। रिवाइज इसलिए करना है कि कोई ग्रामेटिकल एरर है। यूजुअली यूपीएससी क्या करती है, मार्क्स छोटे छोटे एरर्स पे नहीं डिडक्ट करती, बट डिपेंड करता है उस दिन एग्जामिनर का मूड खराब है, सुबह चाय नहीं मिली थी, लड़ाई हो गई थी घर में, तो वो सारा मूड यहाँ निकलेगा। तो इट्स बेटर कि आप अपनी तरफ से कोई स्टोन अनटर्न्ड मत छोड़ो, 15 मिनट 10 मिनट एटलीस्ट लास्ट में रखो रिवीजन के। अच्छा, रिवीजन में एक चीज़ और क्या होगी कि लेट अस से आपको लगता है कि यू हैव रिटन समथिंग वेरी गुड, कुछ यूरेका मोमेंट आ गया एसे में, अरे ये लाइन मैंने लिखी है, आपके लिए बड़ी इनोवेटिव है, उसको अंडरलाइन कर दो, क्योंकि एग्जामिनर कई बार बहुत स्पीड में फ्लिप थ्रू कर रहा होता है, तो वो सिर्फ रीडिंग बिटवीन द लाइन ना करके अंडरलाइन या हेडिंग चीज़ें पढ़ के आगे निकल जाएगा। सो दिस इज हाउ यू विल बी सेविंग योर मार्क्स एंड अटेम्प्ट एज वेल। देन यूजुअली कॉमन मिस्टेक्स जो स्टूडेंट्स अभी तक करते आ रहे हैं, एक बहुत वेग थिंकिंग है स्टूडेंट्स की, ठीक है, आइडिया क्लियर नहीं है,
और जब वो पेपर पे उसको उतार रहे हैं तो अल्टीमेटली जो इंटरप्रिटेशन है वो भी क्लियर नहीं है. तो वट एवर यू आर राइटिंग यू शुड हैव दैट क्लैरिटी. ऐसा नहीं होना चाहिए कि सोशल मीडिया इज एनर्जेटिक या सेल्फिश मीडियम. यस इट इज़ वेरी सेल्फिश मीडियम बट आई थिंक इट इज़ ऑल्सो नॉट सेल्फिश. पक्का नहीं है थिंक मतलब अभी क्लैरिटी नहीं है. सो देयर शुड बी क्लैरिटी इन योर थॉट्स. अगर आप खुद ही क्लियर नहीं हो तो आप मुझे कैसे क्लियर करोगे. जैसे मैं क्लास में खुद ही क्लियर नहीं हो क्या था तो मैं आपको कैसे समझाऊंगा. तो आप यही समझो कि एग्जामिनर क्या है. एग्जामिनर इज नॉट जजिंग यू. वो एक आपका स्टूडेंट है जिसे आपको सब कुछ समझाना है. तो ऐसे ही आपको ऐसे लिखना है सो दैट यू आर ट्राइंग योर बेस्ट टू मेक हिम अंडरस्टैंड कि लुक दिस इज हाउ द थिंग्स आर गोइंग ऑन. गेटिंग दिस. द नेक्स्ट इज योर फॉल्टी टोन जजमेंटल. अब मेनी स्टूडेंट्स हैव हैबिट ऑफ राइटिंग आई पर्सनली बिलीव आई थिंक. डोंट डू दीज थिंग्स. हमेशा इसको थर्ड फॉर्म में रखो. इट शुड बी वी इट शुड बी अस आई. अब एग्जाम ने बुरा मान जाए बताओ. अभी तो कुछ बना नहीं. अभी से इसका ये है आईपीएस बन जाएगा तो फिर अभी इसको आईपीएस नहीं बनने दूंगा मैं. इसको जीरो मार्क्स. तो गेटिंग दीज काइंड ऑफ जजमेंटल टोन शुड नॉट बी देयर. ठीक है. आपको कोई ऐसी बात रखनी है. आप अगर लेट अस से यू नो कि ये चीज़ कोर्ट ने कहा था ये चीज़ कॉन्स्टिट्यूशन में है तो बेटर यूज समवन एल्स शोल्डर फॉर द गन. ठीक है. सो अल्टीमेटली दिस इज व्हाट यू नीड टू डू इज कि आपको इस तरह से जजमेंटल नहीं होना है. फॉल्टी नहीं होना है. स्ट्रक्चर जैसा मैंने कहा कि आपको हिस्ट्री प्रेजेंट एंड फ्यूचर में इसको डिवाइड कर देना. बहुत सिंपल है स्ट्रक्चरिंग का तरीका ये वाला. देन नेक्स्ट इज डेविएटेड थॉट्स. अच्छा स्टूडेंट्स हैव हैबिट ऑफ डेविएशन वाइल राइटिंग द एसे. देखो गलती स्टूडेंट्स की भी नहीं है. एक घंटे से लिख रहे हैं हम लोग 40 मिनट्स से तो डेविएशन हो जाता है. तो व्हाट यू नीड टू डू इज आफ्टर एवरी 15-20 मिनट्स गो रिविजिट द क्वेश्चन. एक बार क्वेश्चन फिर से देख लो तो आप एक स्ट्रीमलाइन थॉट में रहोगे. कई बार ऐसा होता है कि हम लिखते लिखते थोड़ा सा डाइवर्जेंस आ जाता है और टॉपिक से आप डाइवर्ज हो जाते हो. आप शुरू कहीं से हुए थे ख़त्म कहीं करने की कोशिश करते हो और फिर लास्ट में वो सब जम्बल्ड अप लगता है. सो दीज थिंग्स यू नीड टू टेक केयर अबाउट एंड शॉर्ट हैंड्स एंड ऑल दीज काइंड ऑफ स्टफ इज नॉट रिक्वायर्ड. आपको शॉर्ट हैंड्स नहीं लिखने हैं. GOVT. ये जो व्हाट्सएप वाली आजकल लैंग्वेज है इसको अवॉइड करना है. देन ऑब्वियसली स्पेलिंग मिस्टेक्स. यूजुअली इट इज सेड कि UPSC नहीं मार्क्स डिडक्ट करती है बट कुछ नहीं पता. क्लैरिटी UPSC ने आज तक नहीं दिया. वो करती है डिडक्ट लेकिन क्यों कर रही है किसके कर रही है इसका क्लैरिफिकेशन नहीं देती. तो छोटे छोटे एरर्स हैं. लेट अस योर राइटिंग एट वेरी हाई पेस. आपने दा लिखना था टी लिखना भूल गए तो क्या हो गया ही. अब पूरा सेंटेंस चेंज हो गया. तो रिवीजन करोगे तो ये जो सिली मिस्टेक्स जिसे हम कहते हैं ना वेरी सिली नेचर कैन बी अवॉइडेड बट इट शुड बी रेक्टिफाइड एट योर एंड. द नेक्स्ट नॉट रिक्वायर्ड टू मच हेडिंग्स. सर क्या ये हेडिंग्स लिखे इंट्रोडक्शन बॉडी कंक्लूजन. नो नॉट लाइक दिस. ये नहीं होना चाहिए. लेट अस से इफ यू हैव सम यूनिक हेडिंग विद यू. सोशल मीडिया एज अ बून मेक इट अ हेडिंग. सोशल मीडिया इन द इरा ऑफ गवर्नेंस और गुड गवर्नेंस. सोशल मीडिया एंड गुड गवर्नेंस. सोशल मीडिया एंड एम्पावरमेंट ऑफ डाउन ट्रोडन. दीज काइंड ऑफ हेडिंग्स यू कैन मेक बट नॉट टू मच ऑफ हेडिंग्स. यानी कि हर दो पैराग्राफ के बाद आप हेडिंग लिख रहे हो. सो दैट इज ऑल्सो नॉट गोइंग टू सफाइस द पर्पज. प्लस दोज किडिश काइंड ऑफ हेडिंग्स की बॉडी यहाँ से शुरू हुई तो बॉडी हेडिंग. ये सब नहीं करना है. ठीक है. बहुत वैसा लगता है. देन नेक्स्ट इज यूज ऑफ डायग्राम्स. आई हैव ऑलरेडी टोल्ड लेंथ इज बेसिकली विच इज ऑलवेज अ पॉइंट ऑफ कंसर्न विद रिगार्ड टू द स्टूडेंट. स्टूडेंट्स हमेशा पूछते हैं कि क्या सर 1200 वर्ड पूरे करके आने. स्टूडेंट्स क्या करते हैं 800 वर्ड लिखते हैं फिर गिनना शुरू कर देते हैं. अरे यार अभी तो रह गए 400 फिर लिखो. रिपीटिशन स्टार्ट कर देते हैं. UPSC बेसिकली वॉन्ट्स दैट दिस वर्ड लिमिट शुड नॉट बी ब्रीच्ड रादर देन मीट. अगर आप 1200 वर्ड्स का ऐसे 1050 में भी लिख रहे हो और आपने सारे एरियाज को टच कर लिया है सो दैट इज फाइन. UPSC इज नॉट एक्सपेक्टिंग 1200 मतलब 1200. गेटिंग दिस. सो दिस इज व्हाट यू नीड टू टेक केयर ऑफ कि ये लेंथ कंप्लीटिंग के चलते आप रिपीटिशन नहीं करो. लेट अस से आप 800 पे खत्म हो गया आपका. मैं मान रहा हूँ हो जाता है फिलोसफिकल ऐसे था नई कंटेंट आ रहा छोड़ दो उसको. यू विल गेट एटलीस्ट 50% मार्क्स 45% मार्क्स. लेकिन रिपीटिशन से तो मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे. सो वो डिडक्शन वाला स्कोप आपको वहाँ नहीं छोड़ के आना है. देन अल्टीमेटली शशि थरूर्स वोकैबुलरी इज नॉट रिक्वायर्ड. वेरी सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड वोकैबुलरी इज रिक्वायर्ड. नाउ कम्स क्या क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए. सबसे पहला जो चैलेंज आता है ये तो एक जेनरिक था. सबसे पहला चैलेंज आता है कि व्हाट शुड बी द फर्स्ट और व्हाट शुड बी द स्ट्रैटेजी ऑफ चूजिंग द टॉपिक और सिलेक्शन ऑफ टॉपिक. विच टॉपिक यू शुड सिलेक्ट इसको देख लेते हैं. इफ लेट अस से इसमें से क्या चूज करते. एक बार पढ़ो इस पेपर. लास्ट ईयर पेपर है 2021 का. इनफैक्ट
प्रोसेस ऑफ सेल्फ डिस्कवरी हैज नाउ बीन टेक्नोलॉजिकली आउटसोर्स्ड. योर परसेप्शन ऑफ मी इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ यू. माय रिफ्लेक्शन टू यू इज एन अवेयरनेस ऑफ मी. फिलॉसफी ऑफ वॉन्टलेसनेस इज यूटोपिया वाइल मेटेरियलिज्म इज काइमेरा. द रियल इज रैशनल एंड द रैशनल इज रियल. 2021 का पेपर है. लो दो तीन मिनट. क्या हुआ? इजी है. फर्स्ट थिंग इज वी नीड टू अंडरस्टैंड. देखो अगर मैं आपकी जगह मेंस लिख रहा होता तो इसे तो मैं कभी अटेम्प्ट नहीं करता. द रियल इज रैशनल द रैशनल इज रियल. देखो इशू इज अगर ऐसा कोई भी टॉपिक इन विच यू हैव वेरी लेस डायमेंशंस टू राइट यू शुड अवॉइड दैट. क्योंकि आप कितना मेहनत कर लोगे उसमें आप डायमेंशन ऐड नहीं कर पाओगे. पहले बात तो ये क्लैरिटी नहीं है और थोड़ा सा इस क्वेश्चन का इशू भी है. ये पॉल साइंस का एक क्वेश्चन है. इसको पॉल साइंस में PSIR में पूछा जाता है और सीधा इससे मैं पूछ लिया तो ठीक है. ऐसे हम छोड़ सकते हैं दो. आई बिलोंग टू PSIR ग्रुप ओनली ट्राइब ओनली. आई कुड हैव रिटन इट बट अगर मैं इसको लिखने भी जाता तो 600 वर्ड ज़्यादा नहीं लिख पाता तो मैं इसको स्किप कर रहा हूँ. फिलॉसफी ऑफ वॉन्टलेसनेस इज यूटोपियन. वॉन्टलेसनेस इज यूटोपियन. डू यू थिंक? ठीक है. डू यू हैव सम एग्जाम्पल्स टू प्रूव योर पॉइंट? ऐसे सोचो कुछ डायमेंशंस हैं. फिलॉसफी ऑफ वॉन्टलेसनेस मतलब कि ऐसी फिलॉसफी ऑफ लाइफ की जिसमें कुछ नहीं मुझे चाहिए. संत वाला जीवन तो वो बड़ा यूटोपियन है. और मटेरियलिज्म जो है वही रियलिटी दिखती है लोगों को. ठीक है. इसमें आपको फिर भी मिल जाएंगे. देन योर परसेप्शन ऑफ मी इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ यू. माई रिएक्शन टू यू इज एन अवेयरनेस ऑफ मी. ऐसे कुछ याद है ना मी टॉकिंग टू मी अबाउट मी. आइडिया इस वो कह रहा है कि इसको मैं से बहुत डिटेल में क्लास में डिस्कस करेंगे. आइडिया वो ये कह रहा है कि आपका जो परसेप्शन है मेरे बारे में वो आपका रिफ्लेक्शन है आपके थॉट प्रोसेस का. चोर को हर कोई चोर दिखता है. एग्जैक्टली वही लाइन है. अब क्लियर हुआ कुछ? ठीक है. माई रिएक्शन टू यू इज अवेयरनेस ऑफ मी. लेकिन मेरा जो रिएक्शन है आपको, आपने बहुत जोर से मेरे से बात की बहुत ही लाउड मैनर में, लेकिन मेरा रिएक्शन क्या होगा कि मुझे पता है कि आई एम वेरी पीसफुल पर्सन, पीस लविंग पर्सन. आई नॉट रिटेलिएट. गांधी. अब कुछ क्लैरिटी आई? सबसे ईजी इसमें वैसे यह था प्रोसेस ऑफ सेल्फ डिस्कवरी हैज नॉट बीन टेक्नोलॉजी आउट टेक्नोलॉजिकली आउटसोर्स. तो आइडिया ऑफ टेक्नोलॉजी एंड सेल्फ अवेयरनेस. ठीक है. सेल्फ डिस्कवरी सॉरी. तो इसको हम डिस्कस कर. तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि टॉपिक्स मोर और लेस. ये सेक्शन ए टफ था. सेक्शन बी फिर भी ईजी था. बट सेक्शन ए में द वन यू हैव द एसे इन विच यू हैव द हाइएस्ट अमाउंट और हाइएस्ट नंबर ऑफ डायमेंशंस यू शुड फोकस अपॉन दैट. क्योंकि वेन यू विल हैव डायमेंशंस यू विल बी एबल टू राइट इट. जहाँ डायमेंशन ही होंगे कितनी देर लिखोगे? 500 वर्ड के बाद थक जाओगे. ठीक है. मोर ओवर जब भी आप एसे देखो फिलोसफिकल द फर्स्ट थिंग फर्स्ट इज इंटरप्रिटेशन. आर यू एबल टू इंटरप्रेट? तो ये तो मुझे लगा यार सबसे बेस्ट इंटरप्रिटेशन इसी की थी. प्लस आई हैव सॉल्यूशंस एज वेल. प्लस आई हैव प्रिस्क्रिप्शंस एज वेल ओवर हियर. आई कैन प्रिस्क्राइब ऑल्सो हाउ सोशल मीडिया और हाउ टेक्नोलॉजीज यूज कैन बी मिनिमाइज्ड इन डे टू डे लाइफ. गेटिंग दिस? सो दिस इज बेसिकली सेइंग दैट प्रोसेस ऑफ सेल्फ डिस्कवरी हैज नाउ बीन टेक्नोलॉजी आउटसोर्स दैट यू आर लिविंग दैट इंस्टाग्राम रील लाइफ. एवरीथिंग यू डू. पहले होता ना कुछ नेकी कर दरिया में डाल, अब कुछ भी कर फेसबुक पे डाल. So this is what is they are talking about. Getting this? So similarly, if you move to section B, तो section B में तो खैर वैसे भी easy था. Hand that rocks the cradle rules the world. इसमें students ने बहुत blunder किया. But still, what is research but a blind date with knowledge? ऐसे ऐसे उसको मती उठाओ अच्छा है. History repeats itself first as a tragedy, second as a farce. There are better practices to best practices. This is again राइटेबल थिंग. ठीक है. तो स्टूडेंट्स ने ये दो टॉपिक्स मिस किए मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने. और ये एक ऐसा टॉपिक है जो हर कोई लिख के आ रहा है. हैंड दैट रॉक्स द क्रैडल रूल्स द वर्ल्ड. सिंपल है. इसको कई स्टूडेंट्स ने वुमेन एम्पावरमेंट में लिख दिया बट ये अदरवाइज दूसरा टॉपिक है. हैंड्स दैट रॉक्स द क्रैडल मीन्स विच क्रैडल पालना. ठीक है. हाथ जो पालने को हिलाता है वही रूल करता है. दैट मीन्स जैसा आगे लेट अस से इट इज टॉकिंग अबाउट मदर. इफ यू टॉक अबाउट जीजाबाई, इफ यू टॉक अबाउट Elon Musk mother. ठीक है. तो the kind of offspring you are having, the kind of value system you have inculcated in your child, and obviously with the viewpoint of woman, if that child becomes very famous, ठीक है, so obviously you are also at the same time ruling the
वर्ड, जैसे जीजाबाई के केस में था, शिवाजी के केस में था, गेटिंग दिस? तो ये फिर भी थोड़ा बेटर है, एग्जाम्पलीफिकेशन आइडियाज एग्जाम्पल्स आने चाहिए इंस्टेंटली माइंड में. गांधी जी की मदर, एलन मस्क की मदर, शिवाजी की मदर, ठीक है, ऑल दोज ग्रेट पर्सनैलिटीज. और थोड़ा एक दो हम इसमें ये भी कर सकते हैं, सबके सबके सक्सेस के पीछे मदर का ही हाथ होगा, तो ऐसे ही बोल दो. गेटिंग दिस? सो इसको हम वैसे भी डिटेल में डिस्कस करने जाएंगे जब हम फिलोसफिकल इससे करेंगे, क्योंकि अभी करूँगा फिर करूँगा तो रिपीटेशन लगेगा. अगेन यहाँ पर भी सेम है, लाइफ इज़ अ लॉन्ग जर्नी बिटवीन ह्यूमन बींग एंड बींग ह्यूमन. ये समझ में आ रहा है, लाइफ इज़ अ लॉन्ग जर्नी बिटवीन बींग ह्यूमन एंड बींग ह्यूमन. अब इसमें कीवर्ड्स पकड़ो, लाइफ इज अ लॉन्ग जर्नी बिटवीन, सो दैट मीन्स इफ आई से, अगर और इसको रीइंटरप्रेट करो, एवरी वन इज बॉर्न ह्यूमन बट एवरी वन इज नॉट ह्यूमेन. अब क्लियर हुआ? सो दैट मीन्स यू आर आस्किंग देयर इज अ लॉन्ग जर्नी बिटवीन ह्यूमन बींग एंड बींग ह्यूमेन. ह्यूमन तो सब हैं, ह्यूमेन वही है जिसने इस लॉन्ग जर्नी को कवर किया है. और ये लॉन्ग जर्नी क्या है? इनकल्केशन ऑफ वैल्यू सिस्टम, द वैल्यूज विच मेक यू डिफरेंट फ्रॉम अदर ह्यूमंस, द गुड वैल्यूज और द वाइसेस विच दे हैव वी डोंट हैव. गेटिंग दिस? सबसे ईजी वैसे यही हो गया, इसमें तो खैर सारे ईजी थे. शिप्स डू नॉट सिंक बिकॉज ऑफ वाटर अराउंड देम, शिप्स सिंक बिकॉज वाटर दैट गेट्स इनटू देम. इसको आप करप्शन से लिंक कर दो, ठीक है, इसको वाइसेस से लिंक कर दो. आइडिया इज वाइसेस आर अराउंड यू ऑल द टाइम. हमें पता है चोरी करके हम ऐसा कर सकते हैं, लेकिन जब वो चीज़ हम पे हावी हो जाती है तो हम अपनी पर्सनालिटी लूज कर देते हैं, यानी हम सिंक हो जाते हैं. वाइसेस आर ऑलवेज अराउंड यू, बट व्हेन दैट वाइसेस गेट इनसाइड यू, यू बिकम अ पर्वर्ट और अ करप्ट पर्सन. तो एग्जैक्टली यही वो कहने की कोशिश करें, इसको हम डिटेल में करेंगे. अब क्लियर क्लैरिटी आ रही है कि आपको कैसे कीवर्ड्स पे फोकस करना और पेरिफेरी कॉन्सेप्ट्स बिल्ड करने हैं. कीवर्ड्स जैसे हमने देखा यहाँ पे, इस टॉपिक में कीवर्ड ये थे, दिस एंड लॉन्ग जर्नी आपकी पेरिफेरी होगी, क्योंकि दैट विल डिफाइन द कॉन्सेप्ट ऑफ वैल्यू इनकल्केशन, द आइडिया. और इसमें वैल्यूज लिखनी है. अच्छा, ऐसे में प्रिस्क्रिप्शन भी देना है कि अगर वैल्यू मिसिंग है तो क्या करना है. एथिक्स काम आएगा यहाँ पे, ठीक है, ऑल दोस कॉन्सेप्ट्स ऑफ एथिक्स विच यू आर यूजिंग, कि अगर कंपैशन मिसिंग है तो क्या करना है, करप्शन ग्रीड ज़्यादा है तो क्या करना है, सिंस ज़्यादा हैं, गांधी सेवन सिन अगर वो सारे ज़्यादा हैं तो क्या करना है. एग्जैक्टली, गेटिंग दिस? हाउ यू नीड टू अवॉइड दोज सिंस. देन नेक्स्ट, जैसे कि यहाँ पे आप देखो, एक क्वेश्चन यहाँ पे है, बायस्ड मीडिया इज अ रियल थ्रेट टू इंडियन डेमोक्रेसी, सो वट आर द की कॉन्सेप्ट एंड डेमोक्रेसी. अब स्टूडेंट्स ने क्या मिस्टेक की 2019 में, जो लोग लिख रहे थे, 2 से 3 पेज डेमोक्रेसी के एवोल्यूशन में लिख दिए, पूछा ही नहीं आपसे. वही मान के चल रहे हैं कि आपको पता है डेमोक्रेसी क्या और उनको भी पता है, तो आप एक पैराग्राफ में बता दो द डेफिनेशन ऑफ डेमोक्रेसी, ठीक है, एंड हाउ मीडिया इज द 4th pillar ऑफ डेमोक्रेसी. फर्स्ट टॉक अबाउट, पहले आप यहां से स्टार्ट कर सकते हो दो तरह के एग्जाम्पल से, मीडिया से, हाउ गुड मीडिया हेल्प्स इन द स्ट्रेंथनिंग ऑफ डेमोक्रेसी एंड हाउ बैड और बायस मीडिया हेल्प्स इन द डीजेनरेशन ऑफ डेमोक्रेसी. ये दो से आपने स्टार्ट किया, दो डिफरेंट एनेक्डोट से. तीसरी चीज आपने डेमोक्रेसी के बारे में बता दिया कि हाउ डेमोक्रेसी इज फ्रूटफुल फॉर द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन काइंड और द नेशन इन जनरल. देन आपने मीडिया के बारे में बता दिया, हाउ मीडिया इज वेरी इफेक्टिव टूल ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ नॉलेज, ट्रांसमिशन ऑफ इन्फॉर्मेशन टू दी पीपल. अब बताओ कि जब ये मीडिया करप्ट हो जाएगा तो कैसे डिजेनरेशन होगा. फिर बताओ इस मीडिया के करप्ट, कैसे इस मीडिया को करप्ट होने से बचाया जा सकता है. करप्ट हो रहा है तो क्या डिजेनरेशन हो रही है, एंड वॉट आर द इंस्टेंसेज एंड वॉट आर द यू कैन से सोल्यूशंस देयर कैन बी जो इस मीडिया को करप्ट होने से बचाएं, जिससे कि हम डेमोक्रेसी को सेव कर सकें. स्टूडेंट्स ने क्या किया इसमें, सोशल मीडिया, इवोल्यूशन ऑफ मीडिया, मीडिया कैसे आया, मीडिया कितने टाइप का होता है, ये सब लिख के आ गए. एक ने फ्लोचार्ट बना दिया, मीडिया प्रिंट में भी होता है, मीडिया वीडियो में भी होता है, मीडिया ऐसे भी होता है. लेकिन यहाँ पे आपको क्या करना है, देखो आप कर सकते हो, बट अल्टीमेटली आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे यूपीएससी आपसे ये क्वेश्चन इसलिए पूछ रहा है बिकॉज दे वॉन्ट टू लुक अपॉन द सोल्यूशंस यू कैन गिव. लेट अस से टुमारो यू बिकम द सेक्रेटरी ऑफ इन्फॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग. फिर याद है अगर मैंने ऐसे लिखा था ये वाला, तो उसमें मैंने ये पॉइंट सजेस्ट किए थे, तो यही पॉइंट्स इंप्लीमेंट कर देते हैं. सो दैट इज वाई दे आर ट्राइंग टू आस्क सच काइंड ऑफ क्वेश्चंस. दे वांट टू सी व्हाट काइंड ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच यू हैव विद रिगार्ड टू द
problems of the society or the country. Poverty anywhere is a threat to prosperity everywhere. So obviously a bahut hi simple straightforward hai. Then this is the key of cracking the essay examination. I write to find out what I think. That means from today onwards, when you are up till the day of your mains examination, aapko har week ek essay ka paper likhna hai. Every week. So let us say you have around 12 weeks in hand. तो 12 वीक्स का टारगेट लेके चलोगे तब पांच ही एस्से छः एस्से लिख पाओगे, छः टेस्ट लिख पाओगे. बट कोशिश ये करो कि एक वीक में एक एस्से का टेस्ट लिखना है, बिकॉज अनलेस यू नॉट बी राइटिंग द एस्से यू नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट योर ड्रॉबैक्स आर, व्हाट योर इश्यूज आर. ठीक है, तो दिस यू विल गेट व्हेन यू विल राइट द एस्से. नाउ नेक्स्ट कम्स योर इंट्रोडक्शन बॉडी कंक्लूजन की कुछ चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ विच आर इंपॉर्टेंट. तो प्लानिंग द एस्से एक बार ये देख लेते हैं कि कैसे प्लान करना है. तो मैंने आपको एक ओवरव्यू दे दिया था कि आप ऐसे में पहले 15 मिनट कैसे ब्रेनस्टॉर्मिंग के लिए रखेंगे. ब्रेनस्टॉर्मिंग आप इस तरह से भी कर सकते हैं. यू कैन सी दिस इमेज, लेट अस से द टॉपिक इज हेल्थ. सो दिस इज हाउ यू कैन डू द रफ वर्क एंड जॉट डाउन ऑल द पॉइंट्स विच आर कमिंग टू योर माइंड. जो जो दिमाग में आ रहा है, मैं आपसे कह रहा हूँ हेल्थ केयर, यूनिफॉर्म हेल्थ केयर पे ऐसे है. तो पहले आप हेल्थ को कॉर्नर स्टोर बना लो, मिडिल सेंट्रल फिगर बना लो, एंड देन ट्राई टू राइट ऑल द थिंग्स विच यू हैव रेड. आइडिया ऑफ गुड हेल्थ, द क्राइसिस, द इकोनॉमी आस्पेक्ट, द इशू ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ हेल्थ सर्विसेज, अफोर्डेबिलिटी ऑफ हेल्थ सर्विसेज, एक्सेसिबिलिटी ऑफ हेल्थ सर्विसेज, क्वालिटी ऑफ हेल्थ सर्विसेज. कुछ डेटा भी हाल ही का याद हो तो नेशनल हेल्थ सर्वे 5 आया हुआ है, वो वैसे भी आप पढ़ोगे फॉर योर जीएस. यूज दैट डेटा ओवर हेयर. देन सॉल्यूशंस, गेटिंग दिस, एंड देन अल्टीमेटली टेल देम हाउ यूनिफॉर्म हेल्थ सर्वे और यूनिफॉर्म हेल्थ केयर इज something which is very much instrumental for the benefit of people. Getting this? So this is how you can do. These are called scattergrams. So you can easily do it. The next is introduction. How can you write it? Look, many in the market tell you that introduction is one way to write. Anecdote. Likho. Anecdote, you understand? Short story. Essay likhne ke liye, there are many instances why I always say ki anecdote better hai, because aapko ek to current se wo link kar deta hai, plus aapne jo bhi topic uthaya hai uski clear cut explanation de deta hai examiner ko. Let us say examiner is short of time, running short of time, to aapne jab usko anecdote se wo baat samjha rahi to wo ye baat to clear ho gayi usko ki aapko essay samajh mein aa gaya hai. अब वो पेजेस फ्लिप करके बस आपका स्ट्रक्चर देख लेगा और अकॉर्डिंगली मार्क्स दे देगा, अगर टाइम पॉसिटिव, अगर वो ठीक से चेक कर रहा है तो अच्छी बात है, करे पूरा दिन चेक. सो अल्टीमेटली एनिकडोट से आपको क्या हेल्प हो जाती है, और एबल टू राइट अराउंड 100-120 वर्ड्स ईजिली आप लिख लेते हो. वहीं पे वो एनिकडोट क्रिएट हो सकता है, कोई करंट हैपनिंग्स आप उसको पिक कर सकते हो, एक इंट्रोडक्शन रेडी हो सकता है, और फिर उसके बाद आप उसको आगे मूव कर सकते हो. दूसरा तरीका होता है जनरल स्टेटमेंट लिखना, जो भी सेंट्रल थीम है उसके एक्सप्लेनेशन से स्टार्ट कर दो. वो थोड़ा सा लेम हो जाता है, उसमें कुछ इनोवेशन नहीं दिखती. आपने सीधा एक्सप्लेनेशन स्टार्ट कर दिया, बायस मीडिया क्या होता है या डेमोक्रेसी क्या होता है, सीधा स्टेटमेंट से स्टार्ट कर दिया. एक और तरीका है कोटेशंस का, जो एवरीवन आस्क की सर क्या कोटेशन से लिखें अच्छा है. देखो, दिस इज़ नॉट अ बैड आइडिया ऑफ राइटिंग, बट यूजली व्हाट प्रॉब्लम स्टूडेंट्स आर फेसिंग सिंस लॉन्ग आई एम सीइंग कि वो बहुत ज़्यादा समय कोटेशन बैंक में लगा देते हैं, कि रोज कोटेशन इकट्ठी कर रहे हैं. एट द एंड ऑफ द डे जब कोटेशन लिखनी होती है तो याद नहीं आती, याद आती है तो ठीक से याद नहीं आती. तो यू अंडरस्टैंड अर्थ का अनर्थ. आपने कोटेशन याद कुछ करी थी, एग्जाम में आप कुछ लिख के आया. अब देखो कोटेशन के साथ वही है ना कि कॉमा वाला प्रॉब्लम है, आपके वर्ड्स इधर से उधर हो गए तो कोटेशन का सेंस चेंज हो गया. आपको लिखनी कुछ और कॉन्टेक्स्ट में थी, लिख कुछ और कॉन्टेक्स्ट में लिखा है. सो इट्स बेटर डोंट राइट इट. मोर ओवर द प्रॉब्लम इज कि आप एक प्रीसेट नोशन से एग्जाम में जाते हो और आपके दिमाग में यही चलता रहता है मुझे कोटेशन लिखनी है, मुझे कोटेशन लिखनी है. आप एसे के टॉपिक छोड़ के पूरा एसे अपनी कोटेशन के चारों तरफ लिख देते हो. एक स्टूडेंट का मैंने एसे चेक किया लास्ट ईयर, उसने कोई एक स्पीच कहीं सुनी थी, उसको वो स्पीच फिट करनी थी. वो उसको लगा ये बहुत अच्छी स्पीच है, स्पीच ठीक है, गलत नहीं थी, बट उसने पूरा का पूरा एसे उस स्पीच के अराउंड लिख दिया. तो देन आई आस्क्ड हिम कि स्पीच के अराउंड एसे को लिखा, एसे तो इसके अराउंड लिखना था ना टॉपिक के. बोला सर एक्चुअली स्पीच से स्टार्ट हुआ तो याद आया कि अच्छा यही लिखना, तो मैं इसी में लिखता गया. सो प्रॉब्लम इज दिस कि कोटेशन के साथ थिंग्स आर इजी, प्रोवाइडेड इफ यू आर एबल टू मैनेज इट. सो आई पर्सनली थिंक कि अगर आप एनिकडोट राइटिंग पे जाते हो तो चीज़ें आपके लिए ईजी रहती हैं. देन देर इज अनदर स्टाइल ऑफ कन्वर्सेशनल इंट्रोडक्शन, कन्वर्सेशन के साथ. लेट अस से इफ आई आस्क यू अ क्वेश्चन, एक क्वेश्चन था इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स करके 2017-18 में क्वेश्चन था, ड्रीम्स विच शुड नॉट लेट इंडिया स्लीप, ये क्वेश्चन था 2018 का आई गेस, 15 का था, ठीक है.
15 का था 60, चलो ठीक है जो भी था। सो अल्टीमेटली अब ये टॉपिक पूछा जा रहा है तो इसमें क्या कर सकते हैं, एक कन्वर्सेशनल इंट्रोडक्शन लिख सकते हैं, लेट अस से टॉपिक्स इन पंचायती राज, एक कन्वर्सेशनल इंट्रोडक्शन लिख सकते हैं, अ कन्वर्सेशन बिटवीन यू एंड गांधी, बापू रात को सपने में आए, मैंने बापू को बताया कि हमारा भारत इतना अच्छा है, वी हैव डेवलप्ड, वी हैव दिस मच डेवलप्ड, दिस दीज आर द टेक्नोलॉजीज वी आर यूजिंग, देन गांधी जी आस्क, डू यू रियली थिंक that these are the dreams we wanted to achieve, or do you really think that these dreams have been achieved? So then that put into my mind ki are we really a growing country, are we really getting into the right kind of growth. To is tarah se koi bhi aap ek introduction wahan pe ya conversation between two persons, wo depend karega topic kaisa hai. Agar wo topic social hai, country development ka hai, तो आप उसको यूज़ कर सकते हो, ठीक है, फिलोसफिकल में नहीं चलेगा ये वाला। तो देखो इंट्रोडक्शन के लिए भी कोई एक सेट पैटर्न नहीं है, ये आपको वहाँ देन एंड देयर चूज़ करना होगा कि कैसे आपको लिखना है, गेटिंग दिस। तो इस तरह से अगर गवर्नेंस के टॉपिक्स हैं तो वहाँ पे आप ये चीज़ें लिख सकते हो। प्रीएम्बल इज़ वेरी हैंडी व्हेन इट कम्स टू राइटिंग एन इंट्रोडक्शन, सो प्रीएम्बल से यू कैन ऑलवेज, जैसे अगर ये था ड्रीम्स विच शुड नॉट लेट इंडिया स्लीप, तो ऐसे कौन से ड्रीम्स होने चाहिए, ऑब्वियसली द ड्रीम्स एंड शाइन इन अवर कॉन्स्टिट्यूशन द प्रीएम्बल ओनली, तो उसी के अराउंड आप पूरा इससे बिल्ड कर सकते हो अगर इस तरह का टॉपिक आता है फिर से। तो गेटिंग दिस, देन राइटिंग द कंक्लूजन इटसेल्फ, दिस इज अगेन अ टफ जॉब, तो आई डू नॉट प्रिस्क्राइब दिस, आस्किंग रिटोरिकल क्वेश्चंस, हैव वी रियली डेवलप्ड, इज सोशल मीडिया रियली अ गुड ऑप्शन, इज सोशल मीडिया रियली नेसेसरी, जैसे सेल्फ अवेयरनेस में टेक्नोलॉजी रियली नेसेसरी, सो ऑब्वियसली दिस इज बाय पुटिंग अ रिटोरिकल क्वेश्चन यू कैन स्टार्ट। इन द अपकमिंग एसे वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट हाउ टेक्नोलॉजी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर इन द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन काइंड, बट एट द सेम टाइम देर हैज टू बी अ लाइन बिटवीन ओवर यूसेज ऑफ टेक्नोलॉजी। इस तरह से एक रिटोरिकल क्वेश्चन पुट करके आप अपने इसे ला सकते हो। बट सही बताऊँ, सबसे अच्छा तरीका और सबसे सस्ता और ईजी तरीका यही है, बिफोर एंड प्रिपेयर करके जाओ, वहाँ जाके एनेक्डोट चिपका दो, मार्क्स मिल जाएंगे, करंट अफेयर से लिंक्ड होगा, सो यू विल बी एबल टू फेच मार्क्स, बस एनेक्डोट सही से बना होना चाहिए। ओके, देन कुछ अप्रोचेस ये भी होती हैं, पेस्टल अप्रोच ले लो, स्पेकलिक अप्रोच ले लो, आपने बहुत जगह पढ़ा होगा, तो ये अप्रोच भी ना सब जगह फिट नहीं कर सकते, ये एक ब्रॉड फ्रेमवर्क है अप्रोचेस का, विच डिपेंडिंग अपॉन वट काइंड ऑफ एसई आर राइटिंग, लेट एस यू आर राइटिंग अ सोशल बेस्ड एसे, वुमेन बेस्ड एसे, सो यू कैन यूज दिस अप्रोच, ठीक है, देन सोशल इश्यूज विद वुमेन, हेल्थ इश्यूज, चिल्ड्रन इश्यूज, लेट अस से अगर इस तरह से चल रहा है, देन अगर एक जेनरिक है तो पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, एनवायरमेंटल, देन अल्टीमेटली लास्ट में अगर एक फिलोसफिकल है तो उसमें आप स्टेक होल्डर्स की बात कर सकते हैं, लेट अस से वैल्यू सिस्टम की बात कर रहे हैं, तो इंडिविजुअल वैल्यू, फैमिली वैल्यू, सोसाइटल वैल्यू, सो दीज आर डिफरेंट अप्रोचेस। तो ये मैं इसलिए भी बता रहा हूँ क्योंकि बहुत जगह मार्केट में बताया जाता है कि नहीं पेस्टल अप्रोच रट लो, तो ये पेस्टल अप्रोच फिलॉसफी में कैसे लगाओगे, और फिर वहाँ पे आपका दिमाग सारा टाइम पेस्टल अप्रोच को फिक्स फिट करने में लगा रहता है और फिर एसे में ब्लंडर हो जाता है। सो दैट इज़ व्हाई आई एम सेइंग देयर इज़ नो सिंगल अप्रोच ऑफ एसे राइटिंग, देयर आर सर्टेन अप्रोचेस डिपेंडिंग अपॉन द काइंड ऑफ क्वेश्चन यू हैव बीन आस्क्ड यू आर राइटिंग, आपको वो अप्रोच को यूज़ करना है। एंड इन द क्लासेज ऑल्सो विल बी डिस्कसिंग इन वेरी डिटेल फॉर्मैट कि कौन सी अप्रोच कहाँ पे बेस्ट फिट होती है। गॉट दिस? Then there are certain do's and don'ts with regard to the conclusion. The question is ki what kind of conclusion should be there? ठीक है, तो conclusion should always be way forward in nature. कुछ ऐसा होना चाहिए जिसमें examiner should be look forward to. जैसे India of 2047 और India becoming a superpower in 2024, 5 trillion economy of 2024. चलो अब ये तो सपना खत्म हो गया, वो 2022 वाला भी खत्म हो गया, बट अल्टीमेटली समथिंग विच हैज बीन रीइटरेटेड बाय गवर्नमेंट अगेन एंड अगेन। बेस्ट पार्ट क्या रहता है कि आप जो भी गवर्नमेंट के ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो भी गवर्नमेंट के गोल्स हैं ना, उनको आप कंक्लूजन में लिख दो अगर टॉपिक उससे अलाइंग हो रहा है। इफ द टॉपिक इज अबाउट वुमेन एम्पावरमेंट, सो 2047 का एक भारत श्रेष्ठ भारत, ठीक है, वर्ल्ड पावर, ऑब्वियसली व्हेन विल बी अ रीजनल पावर, व्हेन विल हैव द इक्वालिटी इन द जेंडर इश्यूज, सो विल बिकम अ रीजनल पावर एंड अल्टीमेटली विल ग्रो एज अ वर्ल्ड पावर। तो इस तरह से आप वे फॉरवर्ड लिख सकते हो। वे फॉरवर्ड ऑलवेज शुड बी समथिंग विच शुड लीव सम गुड इंप्रेशन ऑन द माइंड ऑफ द एग्जामिनर, कि एग्जामिनर भी लुक फॉरवर्ड करे या नहीं, कमियां हैं हम में लेकिन वी शैल ओवरकम, काइंड ऑफ थिंग। गेटिंग दिस? सो दिस इज आवर कंक्लूजन कैन बी ड्राफ्टेड। सो कंक्लूजन को आप कोशिश ये करो कि मेन थीम से आप उसको कनेक्ट करो, मेन थीम से रिपीट नहीं करो। अच्छा, स्टूडेंट्स हैव हैबिट ऑफ रिपीटिंग द क्वेश्चन इन द कंक्लूजन, हेंस तो क्वेश्चन लिख देते हैं पूरा एज इट इज। टू सम अप ये नहीं करना, टू सम अप नहीं करना, समिंग अप नहीं कर रहे हो आप वहाँ पे,
यू आर पुटिंग समथिंग फ्यूचरिस्टिक इन नेचर, ठीक है। अनदर थिंग इज, कोई भी ऐसा आर्ग्यूमेंट जो अभी तक आपने ऊपर से मेंशन नहीं किया और आपको कंक्लूजन में याद आ रहा है, अब नाउ स्किप दैट, डोंट इंट्रोड्यूस समथिंग न्यू इन कंक्लूजन, गेटिंग दिस। यू कैन ऑल्सो राइट बाय फॉलोइंग दीज काइंड ऑफ सोल्यूशन विच वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर, विच वी हैव डिस्कस्ड अबव, इफ इम्प्लीमेंटेड इंडिया विल बी एबल टू सी द ग्लोरी ऑफ 2047। Our preamble or the objectives mentioned in the preamble can be achieved and everyone in the country will be able to get the benefit out of it. All the downtrodden will be moved forward. Okay, they'll come forward. Getting this? So this is what you need to write with regard to the conclusion. Any doubts? फिलोसफिकल में ना, फिलोसफिकल में हम डिस्कस करेंगे बहुत डिटेल में कि क्या क्या कीवर्ड्स हमें फोकस करने हैं और कैसे उसको लिखना है, क्योंकि उसमें हाँ कंटेंट आपको मिलेगा, कीवर्ड्स मिलेंगे, कोटेशन, कोड बैंक यूर आस्किंग, अच्छा कोड बैंक कैसे है, कोड बैंक तो आपको यहाँ से मिल जाएगा, ले जाना साथ में कोड बैंक, बट मैं हमेशा ये कहता हूँ कि कोड बैंक को लगे तो यूज़ करना, बट बहुत ज़्यादा कोटेशन ऐसा नहीं हो कि आप कोटेशन को ही रिवॉल्व करते रहो और बाकी चीज़ें भूल जाओ, क्योंकि ऐसे बिना कोटेशन के भी अच्छा लिखा जा सकता है और स्टूडेंट्स लिख के आए हैं। आप अगर कोटेशन कर सकते हो मगअप तो वेरी गुड, लेकिन अगर इश्यूज आ रहे हैं जस्ट बिकॉज आपका नेक्स्ट डोर रूममेट कर रहा है, नेक्स्ट डोर कोई बच्चा कर रहा है लाइब्रेरी में बैठा हुआ, आपको भी करना है तो नहीं। देखो ऐसे इज़ ऑल अबाउट प्लेइंग ऑन योर स्ट्रेंथ, आपकी जो भी स्ट्रेंथ है, और हर किसी की अपनी होती है, ठीक है। और क्योंकि यूपीएससी का कोई अभी आप तक देखा कि कहीं यूपीएससी ने फॉर्मेट लिखा हो कि नहीं हमें तो ऐसे 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 ही ऐसे चाहिए, उन्होंने बहुत ब्रॉड फ्रेमवर्क दे दिया है। अब यू नीड टू फिट योर राइटिंग्स इन दैट ब्रॉड फ्रेमवर्क, यू विल गेट द मार्क्स। आई बीन सीइंग स्टूडेंट्स इन पास्ट 8 ईयर्स, दे आर राइटिंग द वे दे आर कम्फर्टेबल टू राइट, क्योंकि ऐसे इज अगेन अ काइंड ऑफ कन्वर्सेशन बिटवीन यू एंड द एग्जामिनर, और ऐसी कोई भी कन्वर्सेशन जो क्लैरिटी के साथ नहीं की गई हो, मार्क्स नहीं मिलेंगे चाहे कितना ही अच्छा हो। इनफैक्ट ये इंटरव्यू में बता, देर वॉज वन स्टूडेंट, उसकी एक्सेंटेड इंग्लिश थी, क्योंकि वो ऑक्सफोर्ड से वापस आया था, उसकी गलती नहीं थी, इंटरव्यू बोर्ड के बाद खराब लग गई कि हम इंग्लिश दिखा रहे हो, गेटिंग दिस। तो बहुत बहुत ही लेमन लैंग्वेज में यू नीड टू राइट इट। अदर डाउट्स? यस प्लीज। हाँ, दैट आई विल बी गिविंग यू विद रिगार्ड टू वेरियस थीम्स। अभी आपको ना एक थीम चार्ट भी मिल जाएगा कि इन पास्ट 15 ईयर्स कौन कौन सी थीम्स पे ऐसे आए हैं। ऑन दोज थीम्स ओनली आई विल बी गिविंग यू सम रेडीमेड फॉर्डर, यू जस्ट हैव टू यूज एंड पेस्ट इट ओवर देयर। देखो ग्रामर एज एन की क्लैरिटी आनी चाहिए आइडिया में। कई बार होता है जैसे स्टूडेंट्स के ग्रामर में इश्यूज होते हैं, जैसे हमारे स्कूलिंग का इशू है, तो बहुत ज़्यादा दे आर नॉट लुकिंग टूवर्ड्स कि आपके ग्रामेटिकली कितने एरर्स हैं। आइडिया इज़ कि वो प्राइमा फेसी पता ना चले, वो फॉर्म वाला कॉन्सेप्ट नहीं कि थर्ड के साथ कौन सा आएगा, इतना नहीं समय है, बट आइडिया ये है कि यहाँ सेंटेंस फॉर्मेशन गलत नहीं होना चाहिए, मतलब आपका जो थॉट है वो क्लैरिटी के साथ कन्वे हो जाना चाहिए, उसमें थोड़ा स्लाइट एरर है आपके एंड से चल जाएगा। इनफैक्ट हैंड राइटिंग को लेकर स्टूडेंट्स की समय मेरी हैंड राइटिंग बहुत खराब है, मैंने ऐसे स्टूडेंट्स देखे हैं हैंड राइटिंग अच्छी नहीं थी तब भी ऐसे में मार्क्स आए, बस क्लैरिटी चाहिए उनको, अच्छी हैंड राइटिंग नहीं चाहिए उनको, लेजिबिलिटी चाहिए वो उसको पढ़ पाएँ। अब ये नहीं बिल्कुल डॉक्टर स्टाइल ऑफ राइटिंग लिख दी कि वो माइक हर चीज़ में रख के भी उसको नहीं पढ़ पा रहे हैं, माइक्रोस्कोप के नीचे भी रख के नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आइडिया इज़ कि वट एवर यू आर राइटिंग इट शुड बी लेजिबल इनफ, मुझे समझ में आ रहा है आप क्या कहना चाह रहे हो और दिख भी रहा है, दिस इज़ वॉट दे आर लुकिंग टूवर्ड्स लुकिंग फॉर। एनी अदर डाउट? हाँ वैसे ही बनाने, अभी आपको एक डॉक्यूमेंट मिल गया ना, हाँ बस ऐसे ही बनाने, एक ये डॉक्यूमेंट आया होगा, इसी यही ब्रॉड टॉपिक्स पे डिवाइड कर लो, 17 टॉपिक्स हैं, इन्हीं 17 टॉपिक्स से 16 हैं जितने भी हैं, इन्हीं ब्रॉड टॉपिक्स पे एसेज आते हैं हर बार, आप सारे एसेज इन टॉपिक्स पे फिट कर सकते हैं, और इसी टॉपिक्स को ब्रॉड बना के आप अपना लेटर सेफ है गोइंग फॉर 2023, तो इन्हीं ब्रॉड टॉपिक से अभी 2022 के लिए भी आप न्यूज़पेपर जब पढ़ रहे हो तो अकॉर्डिंगली आप कंटेंट न्यूज़पेपर से निकाल सकते हो। कई बार पोएम लिखते हैं लोग लेकिन देखो जो मैं आपसे कह रहा हूँ, मैंने हर तरह के स्टूडेंट्स देखे हैं, पोएम्स लिखते हैं बिल्कुल, वो वेल वर्स्ड होते हैं बहुत,
देयर वाज वन ऑफ माय स्टूडेंट जो ऑन स्पॉट पोएम लिख लेता था इंग्लिश के और एसए में अच्छे मार्क्स आते थे. अब वो क्रिएटिविटी सब में नहीं है, उसके 146 आए, जिसने पोएम नहीं लिखी उसके 139 आ गए, कोई फर्क नहीं पड़ा. क्रिएटिविटी देखो आपकी है, आपकी स्ट्रेंथ है. अब मैं आपको बोलूँ नहीं पोएम लिखो, अब आधा समय आप दिन का आधा समय पोएम राइटिंग में जा रहा है आपका, फिर जी एस 1 2 3 4 और फिर ऑप्शनल, तो आइडिया इज ऑलरेडी इतना ज़्यादा प्रेशर है दिमाग में और इतना ज़्यादा सब कुछ मेस्ड अप है, चीज़ों को बहुत ही सिंपली आगे ले जाओ. जो अपनी स्ट्रेंथ है उसी पे वर्क करो, ये मत देखो इधर उधर वाले कैसे दिख रहे हैं. लिंग दिस, ओके देन सी यू इन द नेक्स्ट क्लास.